तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दिया है वो वीडियो आप देखिए, इसके बाद हम आगे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए वो वीडियो। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि बहन जी अपनी हट जो है छोड़ दें, और वो तो देश के नेता है, उनको जो है देश स्तर पे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग उनके हम तो छोटे हैं उनके, मैं तो जो है बेटे के समान हूँ। मैं मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी वो जो वैचारिक आंदोलन मजबूत हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहा कि एकजुटता बनी रहे। मैं नहीं चाहता विभाजन हो। मैंने काफ़ी प्रयास किया, उनमें कुछ हट है, कुछ जिद है कि किसी नौजवान को, या जिस तरह से देखें, मैं आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी इसी क्षेत्र से निकल के आई, वो भी इस तरह के ही एटमोसफेयर से निकल के आई, गरीब परिवार से, फिर मेहनत करके आगे बढ़ी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उनको हमारे जैसे लोगों को मदद करनी चाहिए थी, आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे दूरी बनाई है। अब राजनीतिक रूप से इसके कई कारण हो सकते हैं, सत्ता का दबाव भी हो सकता है, और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ था। जब उनके साथ कोई मुसीबत उनके सामने आएगी तो मुझे इसके लिए किसे पूछना नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। ठीक है, मेरा आप सम्मान सम्मान कोई कर। तो सुना आपने कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने News24 को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है, और इस वैचारिक लड़ाई में मैं बहन जी के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि बहन जी के अंदर कोई जिद है, कोई हट है जो मुझे लाना नहीं चाहती हैं। वो जिद बहन जी को छोड़ना चाहिए और मेरे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके आगे चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहन जी भी इसी स्थिति से गुजरी हुई हैं और बहन जी को इस बात का भली भांति पता है कि ऐसी स्थिति में अचानक से हम मुख्यमंत्री या सांसद नहीं बन सकते हैं। धीरे धीरे हम भी अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। बहन जी को आज चाहिए था कि हमारा वो साथ देती, हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाती और अपना आशीर्वाद हमें देती, लेकिन कोई बात नहीं है, बहन जी को कभी ना कहीं तो यह समझ आएगी। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ही प्यार दिखाते हुए बहन जी को अपनी माँ समान बताते हुए कहा कि मैं उनके बेटे के समान हूँ, और बहन जी को इस बात को समझना चाहिए कि जो वोट आपको बता दे कि वोट बैंक है, पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ था, इसके बाद जनता दल हो, मान्यवर साहब, कांशीराम, इसके बाद BSP को आया, लेकिन अगर आप BSP सही रास्ते पर काम नहीं करेगी, बहुजन मिशन के जो काम करने चाहिए थे वो अगर दलितों की लड़ाई नहीं लड़ेगी BSP, तो वो वोट बैंक जो है अब आजाद समाज पार्टी के साथ भी आ जाएगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने बोली है, और सबसे अच्छी बात जो चंद्रशेखर आजाद ने बोली है वो ये है कि बहन जी ने भी अचानक से अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर लिया, वो भी गरीब परिवार से आती थी, उन्होंने भी कई दशक तक संघर्ष किया, और संघर्ष किया तो सफलता मिली, और आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय पार्टी की वो आज अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि बहन जी और हम मिलकर इस वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो वैचारिक लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सामाजिक बराबरी, हक अधिकारों की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाएं। ये तमाम बातें जो चंद्रशेखर आजाद ने बोली, और उन्होंने अपनी तुलना मायावती जी के बेटे समान से की है। अब आप इस पर, चंद्रशेखर आजाद के ये जो विचार आपने सुने हैं, इन पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ बहन जी ने भी बहुत संघर्ष किया है, तो अब उनका जो बहुजन मिशन है, अगर कहीं ना कहीं इसमें दलित पिछड़े और OBC माइनॉरिटी का जितना भी वोट बैंक है, अगर उनका जो है वोटों में बंटवारा हो रहा है, तो बहन जी को चाहिए कि वो चंद्रशेखर आजाद को साथ लेके चुनाव लड़ें। अब चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की ये बड़ी बात बोली है, अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।